नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? नमस्कार प्रथम विद्यार्थी श्रोता साथी, क्या कहूँ आपको। स्वागत है आपका आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय परिवार के इस लाइव क्लास में, जहाँ हम लोग हिंदू लॉ जुडिशियरी एग्ज़ाम के मद्देनज़र पे लगातार बात कर रहे हैं। हमारी कक्षाएं चलते हुए एक लंबा वक्त हो चुका है। आप लोग जिस तरह से इसमें भाग ले रहे हैं, उत्साह दिखा रहे हैं, वह बिल्कुल उसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं और समय पे आप उपस्थित हैं, इसका भी मैं स्वागत करता हूं। वनु यादव जी, जमशेद रजा जी, गुड इवनिंग। मिश्रा जी, गुड इवनिंग। तमाम साथी जो यहां मौजूद हैं इस वक्त, देवी शंकर मिश्रा जी, आशीष दुबे जी, आप सबको मेरा प्रणाम, नमस्कार, गुड इवनिंग। और अगर आप लोग बिल्कुल सही सलामत हैं यहाँ, विकास कुमार जी तो रेडी दे, तो हम सीधे विषय पे आ जाए। जो लोग देर से आएंगे वो मिस करेंगे, ये उनकी प्रॉब्लम है, हमारी आपकी प्रॉब्लम क्यों है। जो लोग समय से आए हैं उनको देर से आने वालों की सजा क्यों मिली, ठीक है ना। गुड इवनिंग कौस्तुभ जी। तो आइए, हम कल बात कर रहे थे कि इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन ऑन द हिंदू लॉ। आपने उसके पूर्व इम्पैक्ट ऑफ रिलीजियस कन्वर्जन ऑन द हिंदू लॉ, डाइवोर्स, सेपरेशन इत्यादि इत्यादि विषयों पे लंबी चौड़ी क्लास अटेंड की। अब हम लोग बात कर रहे थे कि हाउ दी वेरी माइग्रेशन अफेक्ट्स द हिंदू लॉ। देखो, यहाँ पे आप लोग थोड़ी लवली इवनिंग ईशान अग्निहोत्री जी, आप लोगों की आज मुझे थोड़ी मदद चाहिए। मदद ऐसे चाहिए, विशेष करके कौस्तुभ जी आपकी। आप यहाँ चैट बॉक्स में टाइप कर दें या अलग से मुझे फ़ोन कर दें, जैसा भी आपको उचित लगे। मेरे सामने आज थोड़ा सा धर्म संकट है। धर्म संकट ये है कि अगर मैं आपको इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन ऑन हिंदू लॉ पढ़ाने लगूं, तो मैं 7 दिन इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन हिंदू लॉ पढ़ा सकता हूं। ये इतना बृहद सब्जेक्ट, फिर डोमिसाइल भी है, उसको भी अपने को देखना है, और फिर वीजा वीज चेंज ऑफ रिलीजन पे हमने काफ़ी बात की है, लेकिन फिर भी कुछ बातें जो कवर नहीं हुई हैं वह भी रहता है। अब आपने जो धर्म संकट है कि मैं शॉर्ट में निकल जाऊं या मैं विस्तार से 2-3 केस लॉ की भी चर्चा करूं, 2-3 केसेस की भी चर्चा करूं, तो फिर आज एक ही टॉपिक कवर हो पाएगा, देयर इज इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन। कल तक आप लोग इस विषय की महत्ता से सीरियस नहीं थे, लेकिन आज आप समझ रहे हैं कि यह विषय कितना महत्वपूर्ण है, कितना सीरियस है और आप सबके लिए कितना नया। आज एक सवाल और दे रहा हूं। कल मैंने आपको लव जिहाद तोड़ने का एक जुगाड़ बताया, एक मंत्र बताया, जो गैर कानूनी होते हुए भी कानूनी था। आप सबने सहमत हुआ, बोले हाँ सर ऐसा हो रहा है और ऐसा सही है, हो सकता है। तो आज जब हम इम्पैक्ट ऑफ इमिग्रेशन डिस्कस करेंगे और अगर आप इस टॉपिक को सही से समझ जाएंगे, तो वहाँ पे फिर मैं एक सवाल करूँगा कि कल जो मैंने कहा था, क्या
उसका काट आज में है। क्या लव जिहाद को जिस तरह से कानून को ठेंगा दिखाकर दिल्ली में या राजस्थान में या पंजाब में या जम्मू कश्मीर में शादियां हो रही हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश की सरकार उस शादी को चैलेंज कर सकती है? इस सवाल का जवाब अगर आप जानना चाहते हैं तो इसका जवाब आज के इस विषय में है कि इंपैक्ट ऑफ द डोमिसाइल। आप समझो, कल मैंने क्या कहा था? कल मैंने कहा था कि जब व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो वो अपना पर्सनल लॉ कैरी करता है, तो वो जोड़ा, वो प्रेमी युगल जो दिल्ली आ गया और दिल्ली में आकर के शादी कर रहा है, प्रथम दृष्टया तो वो ठीक लगा, ठीक बात है ना कि वो यहां आया, यहां की कोर्ट में स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी कर लिया उसने, या फिर उस व्यक्ति ने धर्म परिवर्तन करके शादी कर लिया और दिल्ली में वो दोनों ही कानून लागू नहीं है, स्पेशल मैरिज एक्ट लागू है और लव जिहाद लागू नहीं है, तो शादी तो सही हो गई। लेकिन अगर हम इस प्रिमाइस को आज थोड़ा आगे बढ़ा के देखें कि हम अगर ये कहते हैं कि इन केस ऑफ ए माइग्रेशन फ्रॉम बनारस टू कलकत्ता, दी पर्सन हु इज माइग्रेटिंग फ्रॉम बनारस टू कलकत्ता विल कैरी हिज बनारस स्कूल ऑफ लॉ, देन ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैन दैट मैरिज विच हैज बीन सोलेमनाइज्ड इन दिल्ली, दो द पर्सन इज डोमिसाइल और बेसिक रेजिडेंट ऑफ यूपी, कैन बी चैलेंज्ड? टेल मी, सोचिए, सोच के बताइए। सर आपने जो कल कहा हम मान गए, ठीक बात है आप। अब आप ही कह रहे हैं कि इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इन केस ऑफ माइग्रेशन, द पर्सन कैरीज हिज पर्सनल लॉ, देन इफ ही इज कैरिंग हिज पर्सनल लॉ देन हाउ कम, इसका तोड़ एक ही है, इसका तोड़ इस बात पे हो सकता है कि वह व्यक्ति लोकल कस्टम को एडॉप्ट कर लिया, तो यहां पे तो वो आया है और 15-20 दिन के अंदर उसने शादी कर ली, तो हम कैसे कह सकते हैं कि उसने लोकल कस्टम को एडॉप्ट कर लिया? तो अगर ऐसा नहीं है तो क्या उसकी यह शादी चैलेंज हो सकती है? टेक्निकली एंड थ्योरेटिकली स्पीकिंग यस, हो सकती है, लेकिन कोई केस अभी तक हुआ नहीं है। आप करके देखिए, देखते हैं, हम आपका साथ देंगे। अगर आपकी जानकारी में कोई ऐसी शादी हुई है तो आइए एक एक्सपेरिमेंट करते, हम उस शादी को चैलेंज कर देते, ठीक है? अभी तक तो कोई सामने नहीं है, लेकिन टेक्निकली एंड थ्योरेटिकली स्पीकिंग हम हाँ बोल सकते कि दैट वेरी मैरिज of resident of UP solemnized in Delhi, though they are resident of Delhi, still can be challenged that they carry their personal law to Delhi. So, still the law of love jihad would hold equally true on them. तो ये है वकील का दिमाग, हर चीज में तोड़ है और हर तोड़ में चैलेंज करने की संभावना यथावत बनी हुई है, प्रोवाइडेड यू हैव वेरी कमांड ऑन योर सब्जेक्ट। आप बताइए कि आप में से कोई भी व्यक्ति मेरे इस तर्क के विपरीत कोई तर्क दे सकता है तो मैं उसका स्वागत करूं। क्या
क्या इस बिना पे कि ये पर्सन हिंदू कैरीज हिज पर्सनल लॉ टू द न्यू प्लेस, कैन वी चैलेंज द मैरिज विच हैज टेकन प्लेस इन दिल्ली? दोज हु आर सेइंग यस, इट्स ओके, प्लीज कीप क्वाइट. दोज हु डिसएग्री, प्लीज से नो. कोई केस नहीं है, बट मैं टेक्निकली इस आर्गुमेंट को एक्सटेंड कर रहा हूं ताकि आपके सोचने की शक्ति जो है, मेरे क्लास का अभिप्राय आपके सोचने की शक्ति को विकसित करना है, राधर रट्टू टोता बन के जाना है. ईशान अग्निहोत्री जी, हम क्यों नहीं चैलेंज कर सकते, आप बताइए हमको. क्या मैं आपको स्क्रीन पे ले लूं? आप आना पसंद करेंगे स्क्रीन पे? आके समझाइए हमको. ईशान अग्निहोत्री, आप मुझे दिख नहीं रहे हैं. ईशान, 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 हाँ जी लीजिए, मैंने आपको स्क्रीन पे ले लिया. अब आप हमको समझाइए और पूरे क्लास को समझाइए. अरे घबराओ मत भाई, बहस अच्छी होगी जब एक प्रार्थक, कुछ भी बोलो ना, गलत बोलो, क्यों घबराते हो, बोलो तो. अगर आपके इसमें सॉरी की क्या जरूरत है बच्ची, यू हैव फुल राइट टू डिसएग्री विथ मी, दैट्स द लॉ क्लास. चलो सोचो आप, लेकिन जब भी आप तैयार हो मुझे अच्छा लगेगा, आपको मैं स्क्रीन पे ले लूंगा ऑन कैमरा, आप आइए और बताइए हम सबको. ठीक है, हम बहस को आगे बढ़ाते हैं. देखिए, कल जब हम लोग यहाँ क्लास में बात कर रहे थे, थोड़ा सा मैं पीछे जाऊंगा फिर मैं इस विषय पे आऊंगा, लव जिहाद की बात कर रहे थे, तो मैंने आपको वो सारे तथ्य बताए थे. आप लोग क्लास को आगे शेयर भी कर दें. विषय आज भी उतना ही इंटरेस्टिंग है, पता नहीं संख्या आज कम क्यों है. कल आप 40 लोग थे, आज 20 लोग हैं, तो शायद कुछ लोग वो कौन से हनुमान जी हैं वो आपके इलाहाबाद में, मैं भूल रहा हूँ, लेटे वाले हनुमान जी हैं ना, बड़े वाले हनुमान जी, वहाँ दर्शन करने चले गए हैं सिविल लाइन के लोग, लग रहा है मुझे. आज मंगल है ना, वहाँ कुछ प्रसाद वरसाद मिलेगा, बूनी का और लड्डू का. अच्छा ये कहा तो दो और गायब हो गए, वाह चलिए. अच्छा ये आते जाते हैं, अच्छा वो नेटवर्क की भी प्रॉब्लम होगी. चलिए एनी हाउ, तो कल हम लोग बात कर रहे थे कि हाउ दी सर्टेन सेक्शन ऑफ दी लव जिहाद स्टैंड्स चैलेंज्ड बोथ इन इलाहाबाद हाई कोर्ट, इन उत्तराखंड हाई कोर्ट, इन इलाहाबाद हाई कोर्ट एंड इवन इन सुप्रीम कोर्ट. यू हैव सीन दैट. आपने ये भी देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने सारे केस को एक जगह इकट्ठा करने से मना कर दिया और कहा कि नहीं, दे वुड लाइक टू वेट फॉर द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट इन दिस मैटर. द सेक्शंस व्हिच आर चैलेंज्ड आर बेसिकली टू सेक्शन. सेक्शन वन, हाउ यू कैन स्टॉप मी फ्रॉम चूजिंग अ लाइफ पार्टनर ऑफ माई चॉइस. फाइन, आई एम ए मेजर, आई एम एन एडल्ट, आई हैव फ्रीडम टू चूज द लाइफ पार्टनर ऑफ माई चॉइस. दूसरा तर्क ये है, या जो दूसरा सेक्शन चैलेंज है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करता है. हम कितनी भी बार इस देश में धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, तो आप मुझे मेरे पसंद के धर्म परिवर्तन करने से भी कैसे रोक सकते हैं. कल, मतलब हाँ कल ऐसा ही जब हम यहाँ एक बात कर रहे थे, तो एक केस सुप्रीम कोर्ट में कल आया जिसमें एक हिंदू लड़की के पिता ने यह आरोप लगाया कि उसकी बेटी को बरगला कर, बहला कर, फुसला कर और एक मुस्लिम धर्म को मानने वाले युवक ने ज़बरदस्ती अपने घर में रखा हुआ है. और हमें जो है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पर अपने फैसले में कहा कि दो बालिगों की निजी जिंदगी में हस्तक्षेप की इजाजत किसी को भी नहीं दी जा सकती, और इस तरह के
किसी भी प्रताड़ना के लिए उसने वहाँ की पुलिस व्यवस्था को, उसने कानून व्यवस्था को, उनके माता पिता को सख्त चेतावनी दी और मैटर रिजेक्ट कर दिया। आधार ये था कि लड़की का बयान पुलिस के सामने, जहाँ उसने खुद से कहा था कि मैं अपनी मर्जी से रह रही हूँ, ठीक है। और ऐसी स्थिति में कोर्ट ने यह भी कहा, जहाँ तक धर्म परिवर्तन की भी बात थी, लड़की ने स्वीकारा कि हाँ मैंने धर्म परिवर्तन किया है, लेकिन मैंने धर्म परिवर्तन अपनी इच्छा से किया है, मैं किसी दबाव में नहीं किया हूँ, यह मेरे स्वेच्छा का विषय। तो कोर्ट ने कहा जब ये दोनों बातें स्पष्ट हैं तो सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या करेगा, और उसने बिल्कुल यह कहा सख्त शब्दों में कि किसी की भी निजी जिंदगी में ताक छाक हस्तक्षेप की इजाज़त नहीं दी जा सकती। आपको याद होगा जब कल हम यहाँ इस क्लास में थे तो मैंने गुजरात हाई कोर्ट का भी हवाला दिया था, जहाँ इसी से मिलता जुलता एक निर्णय अभी दो दिन पहले वहाँ भी आया। आपने यह भी देखा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने उस पूर्व के फैसले को, जहाँ उसने कहा था कि शादी के लिए धर्म परिवर्तन की इजाज़त नहीं होगी या धर्म परिवर्तन के लिए शादी नहीं हो सकती, उसको उलट दिया। तो इससे आप समझ सकते हैं कि आज किस चौराहे पे जो चार राज्यों में लव जिहाद कानून लागू है वह कहाँ खड़ा है और उसकी मियाद या उसकी जीवन कितनी लंबी है। आपको अंदाज लग गया होगा कि तमाम हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट इस विषय में क्या विचार रखता है, यह स्पष्ट है, ठीक है। तो ये कुछ अपडेट था आपके कल के विषय पे जो मैंने आपको बता दिया। मैं आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि कृपया इलाहाबाद हाई कोर्ट के वो तीन निर्णय निकाल लें, गुजरात हाई कोर्ट का वह निर्णय पढ़ लें और कल के सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय को भी आप निकाल लें, ऑर्डर शीट निकाल के पढ़ लें। अगर आपको ये सारे निर्णय पाने में, मिलने में, ढूंढने में कोई कठिनाई होती है तो मैं और कौस्तुभ आपकी मदद के लिए प्रस्तुत हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि सब कुछ स्पून फीडिंग ना हो, आप भी थोड़ा काम करें हमारे साथ। हमने आपको तीनों केस बता दिया, तीनों जजमेंट बहुत ही हल्का है, आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। अगली क्लास में मैं यहीं से शुरू होऊंगा कि किस किस ने जजमेंट निकाल के पढ़ा, किस किस ने केस पढ़ा। मैं आप में से किसी एक को कैमरे पे लूँगा और मैं बारी बारी से तीनों को यहाँ क्लास में शेयर करने के लिए कहूँगा, उसके बाद हम नए विषय की तरफ जाएंगे। तो आप पूरी तैयारी से आएँ और मैं आप में से किसी को भी कैमरे पे ले करके वो तीनों कानून पढ़ने की बात कर सकता हूँ, समझाने की बात कर सकता हूं। इसका एक हल और है, आप जानना चाहेंगे इसका शॉर्टकट। इलाहाबाद वालों को बड़ा शॉर्टकट की आदत है, जुगाड़। तो आप जानना चाहेंगे जुगाड़ क्या है, ये काम नहीं करना पड़े। नहीं, जमशेद जी तो करना चाहते हैं लेकिन हम अपने जैसे दोस्तों को ढूंढ रहे हैं जमशेद जी, जो हम लोग काम वाम करना नहीं चाहते थे इलाहाबाद में। देखो भाई, मैं तो नेतागिरी करता घूमता था, ठीक है, अब बाकी टाइम में पत्रकारिता करता था। तो कोई ऐसा है जो मेरी तरह है, जो काम नहीं करना चाहता है और अगली क्लास में ये तीनों प्रश्न का उत्तर भी देना चाहता है? देखो मैं, हाँ अनु यादव जी, अच्छा और देखें और कौन कौन है जो बिना काम किए उत्तर पाना चाहता है और अगली क्लास में कैमरे पे आकर एक्सप्लेन करना चाहता है। तो एक तो अनु है, और कोई? बस एक ही, नहीं दिव्यांशी तो कह रही, नहीं सर मैं तो पढ़ के आऊंगी, मैं तो क्लास में बताऊंगा। अच्छा अनु भी बदल गई, चलो अच्छा हुआ समय पे बदल गए तुम। अरे भैया उसका एक ही थोड़ा, क्लास से गायब हो जाना, ना रहेगी बांस और ना बजेगी बांसुरी, ना पढ़ना और ना अगली क्लास में आना। स्वाति ओके सर कह रही हो, गायब हो जाओगी क्लास से पढ़ने के नाम पे। चलो मैं मजाक कर रहा था, मुझे मालूम है, प्लीज़ पढ़ के आना और मैं किसी को भी एक्सप्लेन करने कह दूंगा ये तीनों के तीनों डिसीजन। अगर आपके पास पूरे 7 दिन हैं और अगर आपको कोई समस्या है तो कौस्तुभ पॉइंट कॉन्टैक्ट नंबर पॉइंट नंबर 1 कौस्तुभ, और अगर उनसे भी सॉल्व नहीं होगा तो मैं खुद प्रस्तुत हूँ और मैं पूरा अपना ऑफिस और जूनियर भी लगा दूँ, आपको हम निर्णय निकाल के देंगे, लेकिन आप पढ़ के आइए, पहल आप करेंगे, साथ हम देंगे।
ठीक है। तो ये बात हो गई लफ्ज याद के तीनों कारण के बारे में। अब मुझे उस सवाल का जवाब नहीं मिला कि माइग्रेशन, बहुत बढ़िया दिव्यांशी, पढ़ना भी है और क्लास भी करना है, ठीक है। मैं यही सुनिश्चित करना चाह रहा था कि यहाँ कोई लक्ष्मी टॉकीज बिना टिकट लेके आधा टिकट में जाने वाला तो है कि नहीं है, हिस्सा मालूम है कि नहीं तुम लोगों को। बहुत सारे लोग लक्ष्मी टॉकीज में बिना टिकट लेके घुसते थे, बहुत सारे आधा टिकट लेके घुसते थे, ठीक है। अब भी ये होता है कि नहीं होता है पता नहीं, लक्ष्मी टॉकीज है कि नहीं है पता नहीं, खास रूप से बात करूँगा। आता हूँ इलाहाबाद यार, फिर तुम सबसे मिलूँगा व्यक्तिगत तौर पर, पढ़ाई की बात उसे नहीं करूँगा, अपने टाइम की बदमाशी बताऊँगा, ठीक है। चलो, लॉ वालों को बदमाश होना चाहिए, सराफत से कानून की पढ़ाई नहीं होती है, ठीक है। चलो मुझे उस सवाल का जवाब दो, माइग्रेशन तुम डिटेल में जाना चाहते हो, तीन चार केस लॉ देखना चाहते हो, या शॉर्ट में मैं निपटाऊँ और आगे बढ़ूँ और ये चैप्टर आज ख़त्म कर दूँ, जल्दी बताओ। खेरे नहीं आओ, शॉर्ट वाला तो हम करते ही हैं, उसके बाद आगे कहोगे तो हम केसला डिस्कस करेंगे, नहीं तो हम डोमिसाइल पे चले जाएंगे, ठीक है। चलो, तो हमने आपको कल समझा दिया था कि भैया जो हिंदू लॉ है दैट इज़ नॉट लेक्सी लोसी, दैट्स नॉट लोकल। देखते हैं कितने लोग डिटेल्स वाले हैं, हम देखते हैं अभी, तो चलो पहले तो हम विषय को कवर करते हैं। तो मैं कह रहा था लेक्सी लोसी नहीं है, तो इसलिए मैंने पर्सन माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस मीन्स ही माइग्रेट फ्रॉम बनारस विच इज़ बनारस स्कूल ऑफ लॉ टू द कलकत्ता, सो देयर इट इज द मिताक्षरा स्कूल, नो दयाभाग वुड बी इन प्रैक्टिस, सो दयाभाग वुड नॉट बी एप्लीकेबल टू हिम बिकॉज ही हैज़ कम फ्रॉम बनारस अनलेस एंड अंटिल ही हैज़ अडॉप्टेड द लोकल कस्टम। He is part and parcel of the local life. But if somebody is going to challenge this and say that on Mr. Ajay Kumar Pandey, who is basically or originally the resident of Banaras, would be ruled under Daya Bhaga School of Hindu Law, then it is his responsibility to prove that I belong to the local custom. I have adopted the local custom. I am subject to the local law. That burden is on the person, ठीक है। ये basic premises है दो line की, ये आप समझ गए, ठीक है। मंजरी जी, हम आते हैं, हम आपको कुछ example भी देंगे, जैसे मैंने ये दो line, इसलिए पहले ये दो बातें समझ जाओ तभी आपको case समझ में आएगा। ये दो basic बातें हैं, पहली बात personal law is applicable, जो भी आदमी जाएगा, हिंदू लॉ इज नॉट लेक्सी लोसी। इस सवाल के लिए जवाब भी कर लीजिए, आपको अगर सब्जेक्टिव में या उसमें पूछते हैं कि इज हिंदू लॉ लेक्सी लोसी, नो हिंदू लॉ इज नॉट लेक्सी लोसी, ठीक है। सो अ पर्सन कैरीज हिज पर्सनल लॉ टू द न्यू प्लेस ऑफ हिज माइग्रेशन, यू नो अंडर हिंदू लॉ वी हैव डिफरेंट स्कूल ऑफ लॉ, बनारस, दयाभागा, मिताक्षरा, देन इन साउथ देर इज सम अदर स्कूल ऑफ लॉ, महाराष्ट्र इज सम एंड पार्ट ऑफ द गुजरात इट इज सम अदर स्कूल ऑफ द लॉ, सो वी हैव डिफरेंट सिस्टम। सो द क्वेश्चन इज कि भैया जो आदमी इधर से उधर जाता है यहाँ हिंदुस्तान में, उसके ऊपर आखिर कौन सा लागू होगा, ठीक है। थैंक यू निखिलेश जी। तो मैं ये कह रहा था कि ये बात बेसिक समझ लो, जो इसका अपोजिट है वो अपोजिट ये है कि अगर आप कहते हैं कि नहीं हम कुछ केस भी ले लेंगे, इसीलिए मैंने कहा था कि आप अगर डिटेल में जाना चाहते हो तो देन वी हैव टू टेक अप द केस एंड सी वन बाई वन कि उसमें कोर्ट ने कैसे डिसाइड किया, केस के फैक्ट्स क्या थे और अल्टीमेटली ये दोनों लॉ कैसे ऑन ग्राउंड प्रूव हुए, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाएगी। ये तो अभी मैं कानून की बात जो किताब में लिखी है ब्लैक एंड वाइट उसकी बात कर रहा था। तो ऐसा नहीं है कि चैलेंज नहीं हो सकता, आप इसको चैलेंज कर सकते हैं, बट देन यू हैव टू प्रूव दैट मिस्टर अजय कुमार पांडे और डॉक्टर अजय कुमार पांडे और मिस्टर राम सिंह और श्याम सिंह और हूसोएवर जमशेद रजक इज बेसिकली ये रेजिडेंट ऑफ, एंड वी विल ऑल्सो सी, राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द हिंदू लॉ, दैट्स माई टॉपिक, दैट्स माई क्लास, बट मैं आपको खाली नहीं छोड़ूंगा, मैं थोड़ा सा बता दूंगा, आप डिटेल में जाना चाहेंगे तो दैट्स अगेन फॉर यू गाइज टू डिसाइड एंड लेट मी नो हाउ दिस विल बी अंडर इस्लामिक लॉ। हिंदू लॉ का मेरा क्लास है, लेकिन इज इट नॉट इंटरेस्टिंग टू नो कि इस्लाम इसको कैसे देखता है, इस्लामिक लॉ में इसका क्या होगा, माइग्रेशन का क्या कॉन्सेप्ट है,
हम डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज दैट्स नॉट माई सब्जेक्ट, बट आई विल जस्ट टेल यू हाउ इस्लाम विल इंटरप्रेट दिस एंड वॉट हैपन्स इन द इस्लामिक लॉ एंड जस्ट फॉर योर नॉलेज एंड इंटरेस्ट. ठीक है, हम डिटेल में नहीं जाएंगे. डिटेल में जाना होगा तो फिर आप लोग आपस में डिस्कस करो, फिर मुझे बताना. फिर तो फिर आपको ये भी डिस्कस करना पड़ेगा. ये सारा चीज़ हम हिंदू लॉ में अभी डिस्कस कर रहे हैं और बेसिकली दिस इज ऑल्सो अबाउट द स्टेटस ऑफ द वुमन इन हिंदू लॉ. देन इफ यू वॉन्ट टू गो गेट डीप इन टू इस्लाम एंड देन क्रिश्चियनिटी, देन यू हैव टू फाइंड आउट वॉट इज देयर स्टेटस. वो महिलाओं को कैसे देखते, उनके यहां महिलाओं की क्या स्थिति है. आज एक और अच्छी खबर है, आप लोगों ने पढ़ी होगी, जिस पे मैं बहुत दिन से संघर्ष कर रहा था, कि हमारी फौज ही जो है, हम वैसे तो कहते हैं जी इक्विलिटी है, लेकिन फौज में पहले कमीशन नहीं देते थे, महिलाओं को एंट्री नहीं थी. जब एंट्री दे दी तो उनको कहा कि नॉन कमीशन में रहेंगे, नॉन कमीशन से कमीशन में आए, फिर कहे जी आप फ्लाई नहीं कर सकते. तो जेंडर बायस तो वहीं था. संविधान कहता है कि इक्वल है, महिला के भी एक वोट का अधिकार एक होगा और पुरुष के भी एक वोट का अधिकार ये होगा. लेकिन हाँ बिल्कुल सौरभ वर्मा आप सही कह रहे हो, एनडीए डिसीजन सर बिल्कुल. तो और आप जब प्रैक्टिकल धरातल पे आ रहे हो तो महिलाओं को बराबर नहीं मानते हो. तो दो बड़ी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई आज. ऑफकोर्स सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा और आज ऐसा हुआ कि 5 महिलाओं को कॉम्बैक्ट यूनिट में कर्नल एंड एवब प्रमोशन दिया गया. पहली बार हुआ हिंदुस्तान में. इसी बार 15 अगस्त पे प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि सैनिक स्कूल जहां सिर्फ बच्चे लड़के जाते थे उनका एडमिशन होता था, वह भी उन्होंने हटा दिया बैरियर और कहा कि अब लड़कियां भी सैनिक स्कूल में क्लास 6 से फौजी अफसर बनने के लिए दाखिला ले सकती हैं. तो एक तरफ इधर इंट्री खोला, दूसरी तरफ उधर एग्जिट का जो 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 हाइट था, जो पैरामीटर था, जो फुल स्टॉप था, उसको भी उठाया उन्होंने. कि तो हो सकता है वह दिन दूर ना हो जब भारत की चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कोई महिला हो. उसके उसके दरवाजे तो खुल गए, क्योंकि कल तक क्या था कि कर्नल एंड बिलो उनको हटा देते थे, लेकिन अब आज है कि वो कम्पीट कर सकती हैं कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों के. और इफ़ दे डिजर्व एंड दी सीनियरिटी एंड थिंग्स लाइक दैट. और फौज में इस वक्त एक नई बहस और चल रही है, वो बहस ये है कि प्रमोशन का आधार फौज में मेरिट हो या फिर प्रमोशन का आधार सीनियरिटी हो. देखिए क्या होता, इसके अपने अपने तर्क हैं, बट खैर वो हमारा विषय नहीं है. तो मैंने महिलाओं की स्थिति के बारे में बात हुई तो ये कुछ बातें मेरे दिमाग में आ गई थी. तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया, ये बात कि जब कानून की बात आएगी, डिसाइड करने की बात आएगी कि कौन सा कानून लागू होगा, तो माइग्रेशन के वक्त वह व्यक्ति जिस कानून के द्वारा रूल था वही कानून उसके ऊपर लागू होगा सब्सिक्वेंट टू माइग्रेशन ऑल्सो, माइग्रेशन के बाद भी. ठीक है, मैंने कहा लेकिन ये अपने आप में सत्य है लेकिन अंतिम सत्य नहीं है. इसको उल्टा किया जा सकता है बाय प्रूविंग कि इस व्यक्ति ने या इस परिवार ने लोकल कस्टम्स को पूरी तरह से मान लिया है, एडॉप्ट कर लिया. लेकिन अगर आप ऐसा कहते हैं तो यह साबित आपको करना पड़ेगा कि दिस वेरी पर्सन और दिस वेरी फैमिली हैज एडॉप्टेड द लॉ ऑफ द यूजेस ऑफ द प्लेस वेयर दे आर रिजाइडिंग नाउ. दैट इज द एग्जैक्ट इंग्लिश वर्ड. यू हैव टू प्रूव दैट दिस वेरी फैमिली has adopted the law of the usage. रोज रोज मर्रा के दैनिक जीवन में ये इस स्थानीय कानून को इस परिवार ने मान लिया है, तो आज इनहेरिटेंस या शादी या डाइवोर्स के लिए ये बनारस स्कूल ऑफ लॉ का हवाला नहीं दे सकते. बट इफ यू से कि रोज रोज के अपनी जिंदगी में लोकल यूजेज को मान लिया है,
तो ये प्रूव करने की जिम्मेवारी सामने वाले व्यक्ति की है जो ऐसा कह रहा है। Thus a family which is migrating from Banaras would be basically or originally will be ruled under Banaras school even if he is living in Calcutta, जहां की दयाभागा स्कूल ऑफ लॉ इज इन प्रैक्टिस, बट दिस पर्सन विल नॉट बी रूल्ड अंडर दयाभागा स्कूल, ही वुड कंटिन्यू टू बी रूल्ड अंडर बनारस स्कूल ऑफ लॉ इन टर्म्स ऑफ कौन कौन से मैटर, विल और कौन से मैटर, ऑल द पर्सनल मैटर्स मीन्स सक्सेशन, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन, मैरिज, जुडिशियल सेपरेशन एंड डाइवोर्स, यही है ना पर्सनल मैटर्स एंड हिज विल, ठीक है, इंक्लूडिंग पर्सनल मैटर इंक्लूडिंग सक्सेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, ये ध्यान रखना। व्हेन वी टॉक ऑफ सक्सेशन देन प्रॉपर्टीज आर ऑफ टू टाइप, इमूवेबल एंड मूवेबल। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी पे उसका बनारस स्कूल काम करेगा, जो मूवेबल है उस पर लोकल लॉ काम करेगा क्योंकि उसने वहाँ एक्वायर किया है कार स्कूटर वगैरह वगैरह, तो वो तो चलो वो वहाँ निपटा देगा, ठीक है। बट इमूवेबल प्रॉपर्टी ही वुड बी कंटिन्यूड टू बी रूल्ड बाय बनारस स्कूल ऑफ लॉ एंड दिस लॉ इज इन एक्सेप्शन, ये एक विशेष कानून का प्रावधान है जो जनरली प्रावधान है, जो इंटरनेशनल स्फीयर में प्रैक्टिस्ड है कि यही माइग्रेशन जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री में होता है तो बड़ा स्पष्ट है कि जहां आप गए हैं माइग्रेट करके वहां का कानून आप पे लागू होगा, चाहे आप हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे आप क्रिश्चियन हो, चाहे पारसी, कुछ नहीं, सिंपल फंडा है, जहां गए हैं वहां का स्थानीय कानून आपके ऊपर डे वन से पहले घंटे से लागू हो जाए। लेकिन दैट्स द प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ, द नेम ऑफ दैट लॉ अंडर विच दिस हैपेंस आप लिख लीजिए इज कॉल्ड प्राइवेट इंटरनेशनल, निजी अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत इन केस ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अदर वेयर द चेंज ऑफ कंट्री इज टेकिंग प्लेस, निजी अंतर्राष्ट्रीय कानून लागू होगा जो यह वकालत करता है, जो यह कहता है कि स्थानीय कानून पहली घंटे से उस व्यक्ति पे लागू होगा, लेकिन इन टर्म्स ऑफ माइग्रेशन विद इन द कंट्री, देश के अंदर अगर स्थान परिवर्तन है तो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ लागू नहीं होगा, ठीक है। वहां पे वह व्यक्ति अपना पर्सनल लॉ कैरी करेगा अपने साथ। हाउएवर द लास्ट पार्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, हाउएवर द इमूवेबल प्रॉपर्टी वुड बी गवर्न अंडर लेक्सी लूसी, इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है वह लोकल लॉ से गवर्न होगी, ठीक है, क्लियर है। यहां तक कोई सवाल है या कुछ केस देखना चाहेंगे इसके बारे में, कुछ फेमस केस, कुछ फेमस चर्चाएं, कुछ फेमस जजमेंट, केस देखना आप चाहेंगे, आपने बता दिया है मुझे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं अपना काम करके आया हूं, मैं केस लेके आया हूं, क्योंकि मुझे मालूम है आप लोग बड़े डिमांडिंग लोग हैं, आप कुछ भी कहीं से उठा के पूछेंगे मुझसे, ठीक है, तो मैं तो तैयार हूँ, लेकिन मैं केस की तरफ जाऊँ इसके पहले अगर किसी को कोई बात समझ में नहीं आई है या क्लियर नहीं है तो एक बार वो मुझसे पूछ ले, अगर उसको बेसिक फंडा क्लियर नहीं है तो केस नहीं समझना है, ठीक है। एक आध मिनट ले लो, मैं तब तक थोड़ा पानी का एक घूंट भी मार लूँ, तो अगर आप सबको कुछ पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो फिर मैं केस की तरफ आ जाऊँ, दो तीन केस आपको डिस्कस कर देते हैं, इतना काफ़ी होगा आपके लिए, जिसके सरगम टांस है वो तीनों केस अपने अपने क्लास के लीडिंग केसेस हैं, जिसमें फैक्ट्स एंड फिगर्स डिफरेंट तरह के
ठीक है, एडवोकेट अनाम जी, मौजम खान जी, ठीक है, आइए हम केस पे आ जाते हैं। मिल जाओ भाई केस। हाँ कलम कागज निकाल लो आप लोग। ठीक है, तो एक बार आप ऐसा समझो, जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यहाँ पे एक सर्कमटांसेज है कि एक फैमिली है जो महाराष्ट्र से माइग्रेट कर रही है। महाराष्ट्र में कौन सा स्कूल ऑफ लॉ प्रिवेलिंग है? हिंदू लॉ में मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ प्रिवेल्स है। वो बंगाल आ जाती है जहाँ पे कि दया भागा लॉ इन प्रैक्टिस है। सो गोइंग बाय द थियरी, जो हमारी थियरी है जो हमने अभी डिस्कस की, तो वो जो परिवार है जो महाराष्ट्र से उठ करके बंगाल आ चुका है, कलकत्ता आ चुका है मुंबई से, ही वुड बी स्टिल रूल्ड बाय मिताक्षरा, नो डाउट अबाउट इट। ठीक है, उस पर दया भागा लागू नहीं होगी। हाउ एवर, तो आपको मालूम है कि अगर वो ये प्रूव हो जाता है कि वो जो व्यक्ति है जिसका बेसिक ओरिजिन महाराष्ट्र है लेकिन उसने कलकत्ता में आके या बंगाल में आकर के लोकल लॉ लोकल कस्टम को पूरी तरह से मान लिया, तब तो ही वुड बी गवर्न्ड बाय दी दया भागा। अब उसी तरह से हम एक केस यहां पे ले लेते हैं। इस केस का टाइटल है अब्दू रहीम। लिख लीजिए आप लोग, ABDURAHIM, अब्दू रहीम वर्सेज हलीमा बाई। अब्दू रहीम वर्सेज हलीमा बाई अंडर ब्रैकेट 43IA 34 ब्रैकेट क्लोज। इस केस को डिसाइड करते वक्त कोर्ट ने ये कहा कि अगर एक हिंदू परिवार, नाम पे मत जाना ठीक है, एक हिंदू परिवार एक भाग से दूसरे भाग की तरफ जब माइग्रेट करता है, एक भूभाग से दूसरे भाग, एक प्रदेश से दूसरी भाग, तो प्राइमा फेसाई, हमने कल कहा था कि प्राइमा फेसाई ऑन द फेस ऑफ इट वह अपना पर्सनल लॉ, यस बिल्कुल सही। तो विवेक शुक्ला जी सही आपने टाइम किया, बिल्कुल सही टाइप किया, बस उसमें आइए नंबर नोट कर लो, अंडर ब्रैकेट 43IA 34, ठीक है, तो आपको ढूंढने में आसानी हो जाएगी। तो प्राइमा फेसाई वो अपना पर्सनल लॉ कैरी करता है अनलेस एंड अनटिल उसने लोकल लॉ को या लोकल कस्टम को एडॉप्ट नहीं कर लिया है, और वो एडॉप्शन विथ प्रूफ होना चाहिए, उसके जीवंत प्रमाण होना चाहिए। इसी केस को डिसाइड करते हुए ये दोनों प्रिंसिपल्स आए कहाँ से, इन दोनों प्रिंसिपल्स के आधार क्या है, इस दोनों प्रिंसिपल के आधार यही केस, इसी प्रिंसिपल को डिसाइड करते हुए इसको बताते हुए कोर्ट ये कहता है कि जो लॉ एट द टाइम ऑफ माइग्रेशन एग्जिस्ट कर रहा है वही लॉ आगे भी उस माइग्रेटेड मेंबर पे लागू होगा। जिस वक्त वो माइग्रेट कर रहा है, जहां से कर रहा है, तो वो सर्टेन कानून उस पे ऑलरेडी लागू है। तो ऐसी अवस्था में, ऐसी दशा में जब कल को विवाद होगा, तो आफ्टर माइग्रेशन, सबसीक्वेंट टू द माइग्रेशन,
कानून में बदलाव नहीं होगा, उसके ऊपर वही कानून लाया होगा। सो टू फर्दर एलेबोरेट दैट, या इस बात को आगे और शिद्दत से कहने के लिए, ऐसा कहा जा सकता है कि इसका मतलब ये हुआ कि वह व्यक्ति जिस राज्य का निवासी है उसी राज्य का कानून उसके ऊपर लागू होगा, डिस्पाइट या बसरते वह दूसरे प्रदेश में निवास करता हो। अब अगर इस प्रेजम्पशन को हम आगे खींच दें तो जो लोग उत्तर प्रदेश से आकर के दिल्ली में शादी कर रहे हैं उनकी शादी के लिए रास्ता खुला है कि टू चैलेंज देयर मैरिज ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल प्राइवेट लॉ। बट अभी तक कोई ऐसा दृष्टांत सामने नहीं आया है। आपको पहले पता है कि ये 2018 से ये लफ्ज याद, और उत्तर प्रदेश तो और बाद में, और शादियां अभी हुई हैं, अभी लोगों ने नोट लेना शुरू किया है। तो मेरे समझ से उत्तर प्रदेश सरकार जो सुप्रीम कोर्ट जा कर के चैलेंज कर रही है, मैं अगर होता तो मैं वहां पंगा लेने के बदले यहां ही इन शादियों को अवैध घोषित करने का पिटीशन फाइल करता, और अगर ये शादियां अवैध घोषित हो जाती तो स्वाभाविक है कि उत्तर प्रदेश का जो कानून जिस मंशा से लाया गया था उसमें शायद कुछ हद तक सफलता मिल सकती थी। और चैलेंज तो हो ही सकता है, वह फैमिली इस केस को एक ही शर्त पे जीत सकती है कि वह ये अप्रूव कर दे कि नहीं जी, दे हैव अडॉप्टेड द लोकल कस्टम, दैट्स व्हाई दी रूल ऑफ उत्तर प्रदेश और द लोकल लॉ ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट वुड नॉट बी एप्लीकेबल, लव जिहाद विल नॉट बी एप्लीकेबल टू दिस। यहाँ पे एक बात स्पष्ट कर लीजिए, या इसका जो एक्सेप्शन है कि हम जो भी बात कर रहे हैं वो विद इन कंट्री माइग्रेशन की बात कर रहे हैं। अगर हम आउटसाइड द कंट्री माइग्रेशन की बात करते हैं तो फ्रॉम डे वन, फ्रॉम वेरी फर्स्ट आवर द लोकल लॉ वुड कम इन टू एक्ट एंड द पर्सन हु हैज माइग्रेटेड टू ए न्यू कंट्री, बिकॉज वहाँ पे ये प्रिज्यूम कर लिया जाता है, पहली ही घंटे से यह मान लिया जाता है कि आपने लोकल कस्टम्स को एडॉप्ट कर लिया, तभी आप इस देश में आए। इसलिए याद कीजिए कि जब फ्रांस में बुर्का को लेकर के, सर ढकने को लेकर के, कनाडा में जब बुर्का को लेकर के, सर ढकने को लेकर के कुछ लोगों ने इस्लाम की दुहाई दी और इस्लाम की बात कही तो वहां के प्रधानमंत्री ने क्या कहा, सुनने में कटु लगा लेकिन वह जो स्टेटमेंट था वो कटु लगने जैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए उसमें। ही वॉज जस्ट स्पीकिंग अबाउट कानूनी स्थिति, कानून क्या है उसकी बात कर रहे थे। अब इस आलोक में आप कनाडा के प्रधानमंत्री के बयान को देखिए या फ्रेंच के प्रधानमंत्री के बयान को देखिए तो शायद आपको गुस्सा नहीं आए, तो कोई धार्मिक बयान नहीं दे रहे। उन्होंने कहा कि आप यहां हो तो यहां का कानून लागू है, अगर आपको पसंद नहीं है यहां का कानून तो आप चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ, अफगानिस्तान चले जाओ, ईरान चले जाओ, सऊदी चले जाओ, जहां जाना है वहां जाओ, बट द वर्ल्ड इज रूल्ड बाई इंटरनेशनल प्राइवेट लॉ एंड वेन यू हैव इंटर्ड दिस कंट्री सो फ्रॉम वेरी फर्स्ट आवर यू हैव एग्रीड टू अबाइड बाई द लोकल लॉ। इसलिए यहां पे अलग से कोई बुरके की मांग या अलग से कोई स्कार्फ ओढ़ने की मांग आप नहीं कर सकते। आपको पसंद है तो इस देश में रहिए, और नहीं पसंद है तो इस देश से रुखसत हो जाए। तो बुरा लगा, बहुत बवाल मचा, लेकिन ये वही बात है, इसको समझिए। हमको जब कानून की समझ में नहीं होती है तो हम चीज़ों को आधा अधूरा समझते हैं। आपको शायद पता हो
इसलिए मैंने कहा कि अगर इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड इन डिटेल देन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इस्लाम में आखिर महिलाएं कैसे डिफाइन है, उनकी स्थिति क्या है। सऊदी अरबिया में अगर आप नौकरी करते हैं और आप हिंदू हैं और आपकी वाइफ है, तो आपको शायद पता हो या जिनको नहीं पता हो वो जान लें, आप हिंदू भी हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि मैं बुर्का नहीं पहनूंगी। यू हैव टू ऑल्सो वियर बुर्का। अगर वहां पे नकाब चेहरे पे लगाने का लोकल कानून है तो आप चाहे क्रिश्चियन हैं, चाहे आप अंग्रेज हैं, चाहे आप हिंदू हैं, अगर सऊदी में रहना है तो सऊदी के कानून को आपको मानना पड़ेगा। तो कहने का मेरा कुल मतलब है कि उसी तरह से जो वहां पे इंडियंस हैं, अगर वहां पे ड्रिंकिंग बैन है, इस्लाम में दारू हराम है, तो आप सऊदी में रहते हुए ये कह के दारू नहीं पी सकते कि मेरा धर्म मुझे दारू पीने की इजाजत देता। आपको तो पता है कि सऊदी नो ड्रिंक मीन्स नो ड्रिंक एंड इट्स फॉर एवरीबडी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि इन केस ऑफ चेंज ऑफ द कंट्री देन फ्रॉम फर्स्ट आवर, फ्रॉम वेरी फर्स्ट मिनट आप लोकल लॉ के द्वारा ही रूल होंगे, वहां पे आप अपने पर्सनल लॉ को कैरी नहीं कर सकते। ठीक है, सो दैट इज अबाउट दिस वेरी लॉ, जहां से ये दोनों प्रिंसिपल क्लियरली एस्टेब्लाइज होते हैं। अब आप इस कानून के कुछ और रंग देखना चाहते हैं, चलिए कुछ और रंग पे बात करते हैं, कुछ और रंग देखते हैं। अब जैसे हम एक केस लेते हैं कि एक हिंदू मरवारी फैमिली है जो कि बनारस स्कूल ऑफ लॉ के द्वारा गवर्न होता है और वो जोधपुर से देश के किसी और भूभाग में माइग्रेट करता है। ठीक है, और वह 1942 में आफ्टर माइग्रेशन उसकी मृत्यु हो जाती है। अब परिवार में प्रॉपर्टी का बंटवारा होना है। अब परिवार में जब प्रॉपर्टी का बंटवारा होना है तो वो किस स्कूल ऑफ थॉट के तहत होगा, किस स्कूल से वो रूल होगा। तो जो यहाँ पे स्टेबलाइज होता है, जो उसके घर की महिलाएं हैं, वह यह तर्क देती हैं कि वी वुड लाइक दिस प्रॉपर्टी टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अंडर हिंदू वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट 1937। 1942 में उस व्यक्ति की मृत्यु होती है, जोधपुर से माइग्रेशन है टू द अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। जोधपुर में बनारस स्कूल ऑफ लॉ इन प्रैक्टिस है। तो 1942 में जब प्रॉपर्टी की बात आती है तो घर की महिलाएं हवाला देती हैं बनारस स्कूल के एक कानून का, और वो कानून है हिंदू वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट 1937। कहती हैं कि इसी कानून के तहत प्रॉपर्टी का बंटवारा होना चाहिए, और तर्क यही है कि भैया पर्सनल लॉ वो कैरी करता है सब्सिक्वेंट टू माइग्रेशन, मुझे क्या फर्क पड़ता है कि वो केरल चला गया कि चेन्नई चला गया कि कलकत्ता चला गया। और ऐसे भी वी आर टॉकिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी इज ऑलवेज लेक्सी लोसी लोकल। तो कहता है कि भाई हमें न्यू टेरिटरी से कोई मतलब ही नहीं है, हमें तो इस कानून के तहत प्रॉपर्टी बांट दो, हमें उसके डोमिसाइल से कोई मतलब नहीं है, और उसकी जो भी स्टेटस चेंज हुआ होगा दैट इज नॉट गोइंग टू कम हियर इन द पिक्चर। यहाँ पे यह भी हवाला इस केस में, इस कानून के तहत जो लोग प्रॉपर्टी का बंटवारा चाहते थे
वो यह भी कहते हैं कि भाई अगर अदरवाइज करना है, इफ़ यू वॉन्ट टू डिस्ट्रीब्यूट दी प्रॉपर्टी अंडर दयाभागा और मिताक्षरा, देन यू हैव टू प्रूव कि वो जो मारवाड़ी सज्जन हैं जो दूसरी जगह गए हैं उन्होंने लोकल कस्टम को एडॉप्ट कर लिया, या फिर ये प्रूव कर दो कि वो माइग्रेट ही करके नहीं गए, वो वहीं के बासिंदे थे, वो वहीं के निवासी थे। तो इधर में से कोई भी एक चीज़ प्रूव करो, और अगर ऐसा तुम नहीं प्रूव कर पा रहे हो देन आई हैव फुल राइट टू आस्क फॉर माय शेयर इन दी प्रॉपर्टी अंडर दी बनारस स्कूल ऑफ थॉट। तो इसके बारे में एक केस और देखते हैं, वो केस है बहुत पुराना, भुवंत राव वर्सेस बाजीराव। दिस केस इज भुवंत राव BHUANT भुवंत राव वर्सेस बाजीराव। इस केस में स्पष्ट तौर पे अदालत ने कहा वेयर ए हिंदू फैमिली माइग्रेट्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ इंडिया टू द अनदर पार्ट ऑफ द इंडिया प्राइमा फेसाई दे कैरी विद देम देयर पर्सनल लॉ। अनदर केस विच इज प्रूविंग दिस पॉइंट, बट इफ दे आर एलेज्ड टू हैव बिकेम सब्जेक्ट टू ए न्यू लोकल लॉ और कस्टम देन दिस कस्टम मस्ट बी एफर्मेटिवली प्रूव्ड टू हैव बीन एडॉप्टेड। दूसरा केस जिससे हमारी दोनों बातें स्टेबलाइज होती है वो कौन सा है, आफ्टर हामिद अली एंड दी आई एम फॉरगेटिंग द नेम राइट नाउ, बट वो एक था, दूसरा इस केस भुवंत राव प्लस बाजीराव से भी यह लॉ सेटल होता है। हाँ, ये बात इस केस में भी स्पष्ट वो करता है कि अगर ये चेंज ऑफ डोमिसाइल फ्रॉम कंट्री टू कंट्री है, न्यू कंट्री में है, तब तो चेंज ऑफ कस्टम और माइग्रेशन मान लिया जाएगा, अगर विद इन द इंडिया है तो नहीं माना जाएगा। हाँ, अगर यह पता ही नहीं चलता है या यह साबित ही नहीं हो सकता है यह व्यक्ति आया कहाँ से, असम में या बंगाल में, इन दैट केस द लोकल लॉ वुड बी अप्लाइड टू हिम विदाउट एनी एक्सेप्शन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक आपको? सो दो लॉ आपको मैंने बता दिए, एक आपका दिस भुवंत राव वर्सेस बाजीराव और दूसरा आपका जो केस था आपने यहाँ टाइप किया, हाँ ये एक सेकंड को मैं अपने नोट में देख लेता हूं। अब्दुल रहीम वर्सेस हलीमा बाई, अब्दुल रहीम वर्सेस हलीमा बाई 43 IH 34। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया, अब्दुल रहीम केस, यस ठीक है। अगर अब भी स्पष्टता नहीं है तो एक केस और ले लो, नहीं तो कुछ सवालों के लिए तैयार होगा। ये एक केस और है, बड़ा फेमस है इस डोमेन का, दैट इज कॉल्ड चंद्रकांतो गोस्वामी वर्सेस राम मोहिनी देवी एंड अदर्स 1956। चंद्रकांतो गोस्वामी वर्सेस राम मोहिनी देवी एंड अदर्स 1956, साइटेशन AIR 1956 कैलकटा CAL 577, 60 CWN 1006। बेंच थी पी मुखर्जी एंड आर मुखर्जी की,
यहाँ पे क्या हुआ, एक पार्टीशन अपील कोर्ट के सामने आई। देखो वही बात है, प्रॉपर्टी का ही डिवाइड, तीनों केस में आपने देखा प्रॉपर्टी, अब प्रॉपर्टी किस लॉ से डिवाइड होगी, यही बेसिक क्वेश्चन आता है कोर्ट के सामने। जो स्थानीय लोग हैं वो चाहते हैं कि उस कानून के तहत बट जाए, जो गांव वाले हैं, जो घर वाले हैं, पीछे से हैं, वो कहते हैं नहीं जी, हमारा तो इस लॉ के तहत बटना चाहिए, इस कानून के तहत बटना चाहिए। इसको इस कॉन्टेक्स्ट में भी समझो, ऐसा क्यों था। आज बेटियों को बराबर का हक आपने दे दिया 2005 के बाद। बनारस स्कूल ऑफ थॉट में अगर आप पहले जाते हो, बेटियों को बराबर का हक नहीं था, बेटियों को हक ही नहीं था। तो अगर वो प्रॉपर्टी चेन्नई की है तो साउथ में तो डे वन से हक था, केरला में तो डे वन से हक था, मैट्रियार्कल सोसाइटी है, हिंदू वहाँ का भी है और हिंदू वहाँ का भी। अब इफ प्रॉपर्टी इज इन कोचीन, तो अगर कोचीन का लॉ लागू होगा तो बेटियों को भी हिस्सा मिल जाएगा। अब यहाँ वाले भाई क्या चाहेंगे कि नहीं बहनों को हिस्सा ना मिले, बेटियों को हिस्सा ना मिले, तो वो तो कहेंगे पिताजी बनारस से गए थे उस समय 2005 से पहले, तुम्हें मालूम है क्या स्थिति थी। ठीक है, तो इसका डिफरेंस ये समझो कि आप लोग ऐसा क्यों है, जब कानून सब जगह प्रॉपर्टी का एक ही है। नहीं, सब जगह कानून प्रॉपर्टी का एक नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार कि इट वॉज अ डिफरेंट लॉ इन प्रैक्टिस, सो द कॉन्फ्लिक्ट विल हैपन। सो इन दिस वेरी केस, चंद्रकांतो वाले केस में भी सेम मैटर है, एक प्रॉपर्टी का पार्टीशन अपील लगा, ऑफ कोर्स द फैमिली वाज हिंदूज। अब जो क्वेश्चन था कोर्ट के सामने, एक पक्ष कह रहा था कि वी बिलोंग टू दयाभागा स्कूल ऑफ लॉ, एंड द अदर पार्टी वाज सेइंग कि नो, इट्स द लोकल कस्टम, मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ विल बी एप्लीकेबल। फिर से ध्यान कर लो, द केस इज चंद्रकांता गोस्वामी वर्सेज राम मोहिनी देवी एंड अदर्स, ये 1956 का मुकदमा। ठीक है, तो एक कह रहा है दयाभागा के तहत प्रॉपर्टी बांटो और दूसरा कह रहा है मिताक्षरा के तहत प्रॉपर्टी बांट। जो हमारे वहाँ पे लर्नर जज साहब थे उन्होंने डिफेंस का कंटेंशन को मान लिया और मिताक्षरा के अंदर उन्होंने प्रॉपर्टी डिवाइड करने का ऑर्डर पास कर दिया। अब मिताक्षरा अगर लागू होगा, अगर आप पढ़े होगे उस समय और डिटेल में पढ़े होगे या पढ़ लो जाके, तो जो प्लेंटिफ है यहाँ पे उसका जो शेयर होगा वो 6 आना से घट के 4 आना होगा, पारिवारिक हिस्से में उसका शेयर अगर दयाभागा लागू होता तो ही वॉज responsible for 1/6 of the share in the property, but now here he is responsible only of the 4 anas of the property, जो कि preliminary decree of partition था, उसे को support किया इस magistrate court ने भी, and जो अपोजिट पार्टी का क्लेम था जहां वो 6 आना की डिमांड कर रहे थे उसको डिनाई कर दिया। और वो किस बेसिस पे ये आया, वो सिंपल और सिंपल कि ये जो दोनों परिवार है जो आज इस प्रॉपर्टी के हिस्से के लिए आमने सामने खड़ा है, इसका एंसेस्टर तो एक कॉमन है। ये आया कहां से, एक कॉमन ट्री है, उसी के 2 ब्रांच हुए और आज ये प्रॉपर्टी में हिस्से की बात कर रहे हैं। प्रॉपर्टी इन दोनों में से किसी ने भी क्रिएट नहीं की है, प्रॉपर्टी वो जो प्रिंसिपल ब्रांच ऑफ द ट्री है, वो जो ऑनर है उसने क्रिएट की है। तो जेनोलॉजी में गया गया, उस परिवार के संरचना में गया गया, उसकी जो ट्री थी उसमें गया गया और उससे यह स्टेबलाइज हुआ आखिर ये जो दोनों पार्टी हैं इनका स्टैंड जो एंसेस्टर है वो कॉमन है। और वो कॉमन एंसेस्टर कौन है, चंद्रकांतो गोस्वामी और राम मोहन देवी, दोनों का एंसेस्टर कॉमन है और उसका नाम है जादव लाल गोस्वामी। ठीक है, तो जादव लाल गोस्वामी प्रिंसिपल है, उसके 2 ब्रांच हैं। तो जादव लाल गोस्वामी के 2 बच्चे होते हैं,
एक का नाम है आनंदलाल और दूसरे का नाम है बोरजोलाल। जाधव लाल के दो बच्चे आनंदलाल और बोरजोलाल। क्लियर है या मैं और पीछे जाऊं? अभी थोड़ा टेक्निकल हो रहा है, समझ में आ रहा है या तुम्हें कोई और तरीका ढूंढो उसको समझाने का? क्लियर है या अगली क्लास में इसको लेना है फ्रेश माइंड से, आप बताओ मुझे। या यहां तक सही है, आपको समझ में आ गया? ये कानून मैंने दे दिया, पढ़ लेना, ना समझ में आए तो यहाँ डिस्कस कर लेंगे, या अगली क्लास में डिस्कस कर लो। बोलो क्या कहते हो? ठीक है, तो मैंने दे दिया, पढ़ के आना ये केस, आपको समझना भी आसान लगेगा क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा केस है और इसमें बहुत सारी चीज़ें स्टेबलाइज हुई। ये देखो, ये कुल मिलाकर के ये पूरा डिसीजन जो है, और इसमें फिर बहुत सारे केस के हवाले भी आते हैं टू सपोर्ट हिज जजमेंट, द कोर्ट इज कोटिंग, बहुत लंबा चौड़ा जजमेंट है ये, दिस इज अराउंड मोर देन 35 पैराज। ठीक है, तो हम लोग इसको अपने अगले क्लास में, अगर आप कहोगे तो डिटेल में ले लेंगे, लेकिन ये फिर पूरा एक क्लास ये ले लेगा, ये जजमेंट डिस्कस करने में पूरा एक क्लास लग जाएगा, शायद एक क्लास में होगी नहीं, दो क्लास में ये जजमेंट ही चला जाएगा। चलो देखते हैं। ईशान अपनी उत्तरी का आ रहा है, सर क्लियर नहीं हुआ है आज, तो 5 मिनट में और देता हूँ, बताओ क्या क्लियर नहीं हुआ। देखो सिंपल दो बातें समझो ईशान जी, पहली बात कि एक पर्सन जब माइग्रेट करेगा तो अपना पर्सनल लॉ अपने साथ कैरी करेगा, तो उसका कोई भी डिस्प्यूट होगा पर्सनल लॉ से मुतल्लिक, मतलब विल, सक्सेशन, डाइवोर्स, मैरिज, तो उसका वो जो लोकल लॉ है जहाँ से वो आया है वही लागू होगा। लेकिन यह बात सत्य होते हुए भी सत्य नहीं है। सत्य ऐसे नहीं है कि अगर सामने वाली पार्टी ये प्रूव कर देती है कि ईशान अग्निहोत्री इलाहाबाद से आके कलकत्ता में रह रहे हैं और बरसों से रह रहे हैं या यहीं पैदा हुए, तो आज अचानक ये उठ करके ये सब कुछ यहाँ कलकत्ता में कलकत्ता के रीति रिवाज कस्टम से ये कर रहे हैं, और आज अचानक जब प्रॉपर्टी की बात आई तो ये इलाहाबाद का हवाला देने लगे, तो ये नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, ईशान अग्निहोत्री या उनका परिवार कलकत्ता में रहते हुए भी अपने तमाम शादी ब्याह नौके, जैसे मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग उदाहरण देता हूँ, एक कंट्री है मिडिल ईस्ट में दुबई के बगल में ओमान, तो ओमान के जो राजा थे हिज मैजेस्टी सुल्तान कबूस बिन सईद साहब, तो वो बड़े लिबरल आदमी थे और वो पूरे मिडिल ईस्ट में सबसे पहला मुस्लिम देश था जिसने हिंदुओं को आने की न सिर्फ इजाज़त दी, इजाज़त तो सब जगह थी, बट सऊदी में अगर हिंदू है तो उसको सऊदी कानून मानना पड़ेगा, बट ओमान एक ऐसा देश था कि वहाँ के राजा ने कहा कि आप हमारे देश में आइए, व्यापार कीजिए, काम कीजिए, नौकरी कीजिए, जो करना है कीजिए, और आप अपने रीति रिवाज और कस्टम को फॉलो कीजिए, मतलब मरने पे आपको वो जो हमारे यहाँ अग्नि दाह संस्कार है उसकी भी इजाज़त दी, ठीक है, मंदिर भी बनाने की इजाज़त दी, अपना पूजा पाठ करने की भी इजाज़त दी, और धीरे धीरे वो जो यहाँ से गुजराती लोग थे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है, इस पर मैं कल बात करूँगा। देखो एक और मुस्लिम समुदाय है जिसको हम लोग कच्ची मुस्लिम कहते हैं और खोजा कम्युनिटी मुस्लिम में एक है, आप लोगों ने सुना हो या नहीं सुना हो जिनसे जी, खोजा और कच्छी जो मुस्लिम है ऑफकोर्स वो इस्लाम को मानते हैं, वो मुसलमान हैं, उसमें कोई दो राय नहीं, उनके शादी ब्याह भी उनके इस्लाम से होते हैं, उनके तलाक भी इस्लाम धर्म से, लेकिन आपको शायद जान के आश्चर्य होगा आज भी उनके प्रॉपर्टी का बंटवारा हिंदू लॉ के तहत, आज भी उनके यस कच्छी एंड खोजा, आज भी उनके एडॉप्शन का फैसला, सक्सेशन का फैसला हिंदू लॉ पे,
क्यों? क्योंकि उनके फोर फादर्स हिंदू थे, प्रॉपर्टी उस समय की है। मैंने एक ऐसा उदाहरण आपको क्रिश्चियन कम्युनिटी का भी तमिलनाडु में दिया, बन्यार बनिया, दे आर क्रिश्चियंस बट व्हेन इट विल कम टू देयर प्रॉपर्टी इट विल बी डिवाइडेड अंडर हिंदू। ठीक है, तो ईशान जी अब आपको समझ में आ गई। तो मैं ये कह रहा हूँ कि वह व्यक्ति, जो इंटरेस्टिंग बात है वहाँ पे, कि वह व्यक्ति हिंदू है, उसको वहाँ के सरकार ने इजाज़त दे दी और वह हिंदू लॉ अपना हिंदू धर्म मान रहा है। कालांतर में उनके सेवा से इतना खुश होकर वहाँ के किंग ने एक फरमान जारी किया। वो मुस्लिम देश है, वो इस्लामिक देश है, वहाँ कानून ये था कि अगर आप यहाँ की नागरिकता लेना चाहते हो तो वह नागरिकता सिर्फ मुस्लिम को मिल सकती। तो चाहे आप बरसों से वहाँ रह रहे हो, आप उस देश के नागरिक नहीं हो सकते। जब आप उस देश के नागरिक नहीं हो सकते तो वहाँ आप प्रॉपर्टी नहीं एक्वायर कर सकते। तो ये जो हिंदू मर्चेंट थे जो गुजरात से बड़ी संख्या में गए थे और वहाँ उन्होंने कंट्री के फॉर्मेशन में या कंट्री के आर्थिक प्रगति में बड़ा योगदान दिया था, उन्होंने वहाँ के राजा को एक बार कहा, सर फिर हमारा क्या इंटरेस्ट है, फिर हम आपके देश में क्यों आए, हम आपके देश की आर्थिक उन्नति में क्यों योगदान करें, फिर तो हम यहाँ आए पैसा कमाएं और सारा पैसा अपना हिंदुस्तान भेज दें। तो फिर आप कहेंगे कि ये हिंदुस्तान के लोग या हिंदू लोग हमारा शोषण कर रहे हैं, जो ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी हमारे यहाँ, आए यहाँ से प्रॉफिट लिया और सारा कुछ इंग्लैंड। तो बोला आप तो हमें ईस्ट इंडिया कंपनी बनने पर मजबूर कर रहे हैं, हम तो आपका पार्ट एंड पार्सल होना चाहते हैं। पार्ट एंड पार्सल होने के लिए आप कहते हैं इस्लाम धर्म कबूल करो, और अगर हम इस्लाम धर्म कबूल नहीं करेंगे तो आप हमें नागरिकता नहीं देंगे, आप हमें नागरिकता नहीं देंगे तो राइट टू प्रॉपर्टी नहीं होगा, तो हमारा क्या इंटरेस्ट है यहाँ व्यापार करने का, या हम कर रहे हैं व्यापार, माल है, पैसा है, हम व्यापारी लोग हैं, गुजराती लोग हैं, मारवाड़ी लोग हैं, हमें तो जहाँ व्यापार दिखता है हम लोग लेके चल देते हैं, हम आ गए, लेकिन फिर वो पैसा हम आपके यहाँ इन्वेस्ट नहीं करते। तो राजा को ये बात अच्छी लगी तो उसने कहा कि आपको अगर हम नागरिकता दें बिना धर्म बदले तो क्या आप इंटरेस्टेड हैं? उनका ऑफकोर्स हम इंटरेस्टेड हैं। तो ओमान में एक कानून आया, वो राजा थे मजलिस, वैसे तो वहाँ पे भी लोकतंत्र का एक कॉन्सेप्ट वो था, बट इट इज़ नॉट लोकतंत्र लाइक हियर, बट यस मोर और लेस इन द सेम फॉर्म। तो मजलिस अशुरा अलशुरा वो कहते थे, तो वहाँ पे एक लॉ पास किया उन्होंने जिसमें उन्होंने कहा कि एक्सेप्शनल केस में नॉन मुस्लिम्स को भी ओमान की नागरिकता दी जा सके, दे दी गई। बहुत सारे परिवार, गुजराती परिवार ओमान के नागरिक हो गए, धर्म उनका हिंदू है। अब जब उनके शादी ब्याह की बात आई तो उस मुल्क में हिंदू लड़कियां कहाँ से मिली, समझो पूरा इस्लामिक मुल्क है, आप 10-5 परिवार वहां हिंदू हैं जो व्यापार करने गए हैं, तो आप आपस में रिश्तेदार हैं, बहन भाई शादी नहीं करेगा ना। और फिर जितने लड़के हैं उस हिसाब से लड़कियां हैं भी क्या जो स्थानीय नागरिक हैं हिंदू, 10-5 परिवार धर्मा तो है नहीं। तो कुल मिला के उनके सारे रीति रिवाज, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि उनके सारे रीति रिवाज, उनके सारे शादी ब्याह वापस गुजरात में हिंदुओं के यहाँ ही होते थे। तो अगर यह व्यक्ति ये प्रूव कर देता है कि यह आदमी साउथ इंडिया में रहते हुए भी तमाम रीति रिवाज कानून ये बनारस का ही मान रहा है तो बनारस लागू होगा, लेकिन अगर वो बाकी मामलों में साउथ इंडिया के उस कानून को वो मान रहा है तो अचानक आकर के वो ये नहीं कह सकता है कि मेरे पे बनारस स्कूल ऑफ लॉ लागू करें। इसमें इस बात को समझने के लिए ईशान जी आपको थोड़ा सा जाके आज अध्ययन करना पड़ेगा कि दया भाग में लड़की का कितना हिस्सा है, मिताक्षरा में लड़की को क्या स्टेटस प्राप्त है, बनारस में क्या स्टेटस प्राप्त है, ये विवाद क्यों हो रहा है, क्योंकि कहीं लड़की को बराबरी का हिस्सा था, कहीं 1/6 था, कहीं 1/4 था, कहीं था ही नहीं। ठीक है, तो लोग इसके लिए तरह तरह के प्रकल्प और विकल्प
लिया करते थे। आपको जान के एक चीज़ और सुखद आश्चर्य होगा कि ये जो फैमिली थी जो मैंने देखा वहाँ ओमान में, बड़ा इंटरेस्टिंग फैमिली थी। इनके जो मेल मेंबर होते थे वो सब के सब सिटीजन हैं लोकल, मतलब ओमान के नागरिक हो गए। तो ये जो है प्रॉपर्टी अपने नाम में ओमान में बनाते थे, खरीदते थे। लेकिन अगर ये थे कहाँ के, बेसिकली इंडियन थे, गुजरात के थे, लेकिन आपको मालूम है इंडिया ड्यूल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करता है। हमारे यहाँ ड्यूल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट नहीं है। आप हमारे देश के नागरिक हो सकते हैं या फिर किसी दूसरे देश, आप दो नागरिकता नहीं रख सकते हिंदुस्तान में। पाकिस्तान में अलाउड है, एट ए सेम टाइम मेनी अदर कंट्रीज अलाउ दिस, एट ए सेम टाइम आप दो जगह के कानून को की नागरिकता आप मान सकते हैं। तो जैसे ही वो व्यक्ति ओमान की नागरिकता लिया, उसका हिंदुस्तान की नागरिकता खत्म, तो उसकी हिंदुस्तान की नागरिकता खत्म, तो हिंदुस्तान में प्रॉपर्टी वो खरीद नहीं सकते। फॉरेनर वॉज नॉट अलाउड टू बाई दी प्रॉपर्टी इन इंडिया, बट उसकी वाइफ कहाँ से है, इंडिया से, उसका धर्म परिवर्तन नहीं कराया, उसको सिटीजनशिप नहीं दिलाया, तो सी रिमेन्स ए इंडियन सिटीजन। सो दे वुड इंजॉय प्रॉपर्टी इन बोथ दी कंट्री इन द नेम ऑफ द मेल मेंबर इन ओमान दुबई एंड इन द नेम ऑफ द फीमेल मेंबर्स इन इंडिया। तो जो मैं बार बार कहता हूँ, अगर एक कानून है तो उसका तोड़िए, सोचो सोचो। बात करेंगे अगली क्लास में ऐसे ही और इंटरेस्टिंग विषय, स्पेशल मैरिज एक्ट, हिंदू लॉ। थैंक यू वेरी मच, सी यू ऑल अगेन ऑन मंडे एट द सेम टाइम 8 PM एट द सेम पेज, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, परिवार। थैंक यू, गुड नाइट।